अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। कोटद्दू से कराची का हमारा सफ़र जारी है। इस वक्त हम मोटरवे M5 मुल्तान टू सखर ट्रेवल कर रहे हैं। रात के 8:52 हो रहे हैं। मोटरवे पर हम 8 बजे एंटर हुए थे। तकरीबन 1 घंटा हमें सफ़र करते हुए मोटरवे पर हो चुका है। किराए की बात करते चले तो कोटद्दू से कराची 3400 रुपीज़ किराया है। कराची से इसका डिपार्चर 5:30 बजे, कोटद्दू से इसका डिपार्चर 5:45 पर होता है। बरास्ता मुजफ्फरगढ़ मुल्तान शेरशाह से मोटरवे पर इंटर होते हैं और फिर मोटरवे पर सफ़र मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा।
Gracias.
ये आप देखें, ये शाहीन एक्सप्रेस की गाड़ी है। वीडियो जहाँ से बन रही है तो वहाँ से नाम क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको शाहीन एक्सप्रेस का बुकिंग नंबर क्लियर नज़र आ गया होगा। शाहीन एक्सप्रेस को क्रॉस करने के बाद अगली गाड़ी को क्रॉस करना था, लेकिन हमें किसी वजह से रुकना पड़ गया, जिसकी वजह से वो गाड़ी तो निकल गई और ये शाहीन एक्सप्रेस वाली गाड़ी भी दोबारा हमसे आगे निकल गई थी। शायद किसी बंदे को वॉशरूम आ गया था, जिसकी वजह से ड्राइवर ने इधर ही मोटरवे पर गाड़ी रोक दी थी। ग्यारह बजकर छः मिनट पर जब हमने शाहीन एक्सप्रेस को क्रॉस किया, तो उसके बाद
आगे वो दूसरी गाड़ी नहीं थी जो पहले नजर आई थी शाइन एक्सप्रेस के साथ, पता नहीं वो कहाँ गई। फिर उसके बाद मुझे नींद आ गई, तो 12:18 पर जब हम रोड़ी टूल प्लाजा पहुँचे तो मेरी आँख खुली। तो शेर शाह टूल प्लाजा से यहाँ तक हमें 4 घंटे और 18 मिनट लगे हैं, जिसमें हमने खाने का स्टॉप किया था और फिर बीच में आपने देखा हमें बारिश भी मिली थी, तो वहाँ पर भी हमारी स्पीड स्लो हो गई थी, इस वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम लग गया।